हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है डबल स्मार्ट तो डबल स्मार्ट फिल्म किस तरह से कैसे क्या आपको ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में देखने को मिल जाएगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं डबल स्मार्ट जो 2024 हज़ार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथीनैनी और सत्य देवनाभा नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डिरेक्ट डिरेक्ट किया था वो फिल्म करीबन 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज़ किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिकवल ही फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मी कोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्स्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राम पोथिनेनी, संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से यह सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पर इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलुगु लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे काव्या थापर ने जन्नत मेहरू नीजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानी जैज यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करती नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जयिर रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनु ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया है ने यंग शंकर का रोल प्ले किया हुआ है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है, गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है, विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ चौदह मई दो को अनाउंस किया गया था जहाँ पर बताया गया था कि राम ने इन लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी बारह जुलाई दो को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब रैप अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई 2024 में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पर आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पर खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ रेपअप की गई पाँच जुलाई दो को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कम्पोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कम्पोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पर स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूजिक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पे एक जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पे उन्होंने मार मुनता छोड़ चिंता करके जो गाना है वो रिलीज किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कीर्ताना शर्मा और धनंजय क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा उनतीस जुलाई दो को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फ़िल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म में कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो ग्लीमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते उनकी मेमोरी के थ्रू जो तो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें पोस्ट प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती हैं वही सब चीज़ें फिल्म में अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने इस फिल्म में मेन बेग बॉय ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में जरूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस है वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथी नैनी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नजर आते वैसे आ, उनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नजर आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म की है वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नजर आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लुफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड आप में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नज़र नहीं ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थे पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुए थे उस रोल के साथ वो इंपेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एग्जरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो एक ही हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो, जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्म तेलुगु फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नेरेशन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नजर आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नज़र आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डा, डा, डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नज़र आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फ़िल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से 30 से 40 मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे 40 मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत थे जो थोड़ी बहुत स्क्रीन प्ले में कमी नजर आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फिल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन Uh, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी और ओ टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ के राइट्स अमेज़ॉन प्राइम डी वालों ने तैंतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स तेलुगू वर्जन के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लो के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुग्गल स्टूडियोज़ वालों ने फ़िलहाल मेमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को पाँच सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे ते तल, की तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आर्गे टूगल स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दूगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दूगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट शंकर फिल्म आप ऑफिशियली टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन में एंजॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथी नेनी और सत्य देवनाभा नतेश नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डिरेक्ट डिरेक्ट किया था वो फिल्म करीबन पंद्रह से बीस करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सिक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिक्वल ही फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मायत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राम पोथीननी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिन्नेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने, ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलगू लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे काव्या थापर ने जन्नत मेहरू यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबा जज यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करती नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जही रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सीआई के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनू ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ने यंग शंकर का रोल प्ले किया हुआ है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है, कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ चौदह मई दो को अनाउंस किया गया था जहाँ पर बताया गया था कि राम पोथी ने लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी 12 जुलाई 2023 को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई 2024 में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पर आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पर खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ रेपअप की गई 5 जुलाई दो को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कम्पोज़ किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कम्पोज़ किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पे स्टेपा मार पहला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूजिक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पे एक जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पे उन्होंने मार मु मुनता छोड़ चिंता कर के जो गाना है वो रिलीज किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसराला श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज कीर्ताना शर्मा और धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ था क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा उनतीस जुलाई दो को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म की कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे हैं जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो एक डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो क्लेमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू जो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेते हैं वही सब चीज़ें फिल्म में आ, अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथीनैनी ने ने इस फिल्म में मेन बेग बॉ ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस से वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथी यानी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नज़र आते वैसे आ, उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म की है वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए था उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लुफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड हाफ में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नज़र नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थे पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुए थे उस रोल के साथ वो इंपेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एक्सरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो एक ही हुमर अटैम्प किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्म तेलुगु फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नेरेशन, वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नजर आएंगे मनीष शर्मा इस, इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नजर आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते संजय दत्त के साथ जो फेसऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए तो डेफ़िनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो फे, जो फेवर है उनका जो स्टोरी डा, डा, डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नजर आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फिल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से 30 से 40 मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे 40 मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरिए थे जो थोड़ी बहुत क्रिस्क स्क्रीन प्ले में कमी नज़र आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त 2024 को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी और ओ टी टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ टी टी के राइड्स अमेज़ॉन प्राइम वालों ने ती करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स तेलगू वर्जन के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आ, 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 आर के दुग्गल स्टूडियोज वालों ने फिलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 5 सितंबर 2024 से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे ते तल, की तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आरगे टूगल्स स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्ज़न में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट संकर फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में इन्जॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो 2024 हज़ार के एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथी नैनी और सत्य देवनाभा नश नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डिरेक्ट डेक्ट किया था वो फिल्म करीबन 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पर अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज़ किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिकवल ही फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मी कोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राम पोथीननी संजय दत्त अली और काव्य थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलुगु लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे काव्या थापर ने जन्नत मेहरू निजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानी जय जी यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने, ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करती नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जयिर रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनु ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ने यंग शंकर का रोल प्ले किया हुआ है, रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है, गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है, विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ चौदह मई दो को अनाउंस किया गया था जहाँ पर बताया गया था कि राम ने लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी 12 जुलाई 2023 को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब रिपब किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई दो, हजाध दो हजाध में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पर आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पर खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ रेपअप की गई 5 जुलाई दो को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कम्पोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कम्पोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पर स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुरा कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूज़िक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पे 1 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पे उन्होंने मार मुन्था छोड़ चिंता करके जो गाना है वो रिलीज़ किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसराल श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज कीर्ताना शर्मा और धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ था क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा उनतीस जुलाई दो को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूज़िक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फ़िल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म की कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो एक डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो क्लेमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू तो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे हैं अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती है वही सब चीज़ें फिल्म में अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने, ने इस फिल्म में मेन बेग बॉय ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सीक्वेंस थे वो भी बढ़िया थे काव्य थापर को इस फिल्म में राम पोथीनैनी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन इंटागोनिस था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नज़र आते वैसे उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म की वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लुफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड हाफ में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देव नजर नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थे पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुई थी उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एग्जरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो एक ही हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो, जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्म तेलुगू फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए हैं नेरेशन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नजर आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नज़र आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डा, डा, डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नज़र आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फ़िल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से तीस से चालीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत थे जो थोड़ी बहुत क्रिंस स्क्रीन प्ले में कमी नजर आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फिल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी ओ से टी पे भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ टी टी के राइड्स अमेज़ॉन प्राइम वालों ने तैंतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स से, तेलगु वर्जन के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुग्गल स्टूडियोज़ वालों ने फिलहाल मेमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 5 सितंबर 2024 से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे ते तल की तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आर के दुगल स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश इंग्लिस सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में भी इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के गूगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट शंकर फिल्म आप ऑफिशियली ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन पांच वर्जन्स में एंजॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथीनैनी और सत्य देवनाभा नतेश नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डरेक्ट किया था वो फिल्म करीबन पंद्रह से बीस करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर्स साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज़ किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सिक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिकवल ही फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राम पोथिनेनी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से यह सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिन्नेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नज़र आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलगू लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे हैं काव्या थापर ने जन्नत मेहरुनिजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबा निजय यानी कि बात देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने, ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करते नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जही रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी आई के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनू ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ चेकरी ने यंग शंकर का रोल प्ले किया है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है खिच्चा कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ 14 मई 2023 को अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि राम ने इन्हें लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी बारह जुलाई दो को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई दो, हजाग दो, हजाग दो में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पे आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पे खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ रेपअप की गई पांच जुलाई दो को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कंपोज़ किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कंपोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पे स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुरा कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूज़िक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पर एक जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था सेकेंड सिंगल के तौर पर उन्होंने मार मुनता छोड़ चिंता के जो गाना है वो रिलीज़ किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसराल श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज कीर्ताना शर्मा और धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ था क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 29 जुलाई 2024 को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूज़िक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म में कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो एक डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो गिमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू तो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें पोस्ट प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्नस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती है वही सब चीज़ें फिल्म में अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने, ने इस फिल्म में मेन बेग बॉ ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस से वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथीनैनी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नजर आते वैसे उनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नजर आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म की है वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नजर आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए वो काफ़ी ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग है जिस तरह से नरेशन एंगेजिंग होना चाहिए था उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी एड किए हुए जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लुफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड आप में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नजर नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थे पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुए थे उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से ऐड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एक्सरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो एक ह्यूमर हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्में तेलुगू फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नेरेसन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नज़र आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नजर आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन डा, में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नजर आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फ़िल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से 30 से 40 मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे 40 मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरीअ थे जो थोड़ी बहुत क्रिंस स्क्रीन प्ले में कमी नज़र आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त 2024 को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी ओ टी टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ टी टी के राइड्स एमेज़ॉन प्राइम वालों ने तैंतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स से तेलगू वर्ज़न के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुग्गल स्टूडियोज वालों ने फिलहाल मेमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 5 सितंबर 2024 से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे ते तल ते, तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आर के तुगल स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में भी इंग्लिश

जो 2024 हज़ार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथी नैनी और सत्य देवनाभा नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डिरो ड किया था वो फिल्म करीबन 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सिक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिक्वली फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ और के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के कास्ट में आपको राम पोथिननी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से यह सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिन्नेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलुगु लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे काव्या थापर ने जन्नत मेहरू यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानी जज यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करती नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जयिर रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनु ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ने यंग शंकर का रोल प्ले किया हुआ है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ 14 मई 2023 को अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि राम पोथी इन लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्लेज करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी 12 जुलाई 2023 को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई 2024 में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पर आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पर खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ रेपअप की गई पांच जुलाई दो को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कंपोज़ किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कंपोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पर स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूजिक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पर एक जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पर उन्होंने मार मुनता छोड़ चिंता के जो गाना है वो रिलीज किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ था राहुल कीर्ताना शर्मा और धनंजय लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा उनतीस जुलाई दो को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फ़िल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म की कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो क्लेमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू तो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती हैं वही सब चीज़ें फिल्म में आ, अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोती ने इस फिल्म में मेन बेग बॉय ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस है वो भी बढ़िया थे काव्य थापर को इस फिल्म में राम पोथी पोथीनिनी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नज़र आते वैसे उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म के वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वह काफ़ी ज़्यादा अन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए था उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नजर आएंगे काफ़ी सारे लुफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड हाफ में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नज़र नहीं ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थी पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुई थी उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एक्सरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती नज़र आती है नजर अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो एक ही हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो, जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्में तेलुगु फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नरेशन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नज़र आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नजर आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजे है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन डा, में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले जा, 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 हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नज़र आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फिल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से 30 से 40 मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे 40 मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत थे जो थोड़ी बहुत क्रिंस स्क्रीन प्ले में कमी नजर आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी पंद्रह अगस्त दो को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फिल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पर बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी ओर से ओ टी टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पर ओ के राइट्स अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने तेतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स से तेलुगु वर्ज़न के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्ज़न के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुगल स्टूडियोज़ वालों ने फ़िलहाल मेमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को पाँच सेप्टेम्बर दो से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे ते तल, की तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आरगे टूगल्स स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दूगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दूगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट संकर फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जन्स में इन्जॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथीनैनी और सत्य देवनाभा नज निति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था वो फिल्म करीबन 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज़ किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सिक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिक्वल ही फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मी कोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के कास्ट में आपको राम पोथिनेनी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनकी डेब्यू फ़िल्म थी तेलगू लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे हैं काव्या थापर ने जन्नत मेहरुनिजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानी जय यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करती नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जयिर रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनू ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ने यंग शंकर का रोल प्ले किया है, रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया है, गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है, विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ 14 मई 2023 को अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि राम पोथी इन्हें लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर वन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी बारह जुलाई दो को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई दो, दो में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर और वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पे आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पे खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ रेपअप की गई पाँच जुलाई दो को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कंपोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म फिल्में जहाँ पर स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूज़िक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पर एक जुलाई दो को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पर उन्होंने मार मुनता छोड़ चिंता कर के जो गाना है वो रिलीज किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज की शर्मा और धनंजय क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा उनतीस जुलाई दो को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर सिंगल के तौर पे आठ अगस्त 2024 को रिलीज किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पे 17 अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूज़िक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म की कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म में कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे हैं जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो ग्लीमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू तो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें फीड बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे आ, वो सभी चीज़ें पोस्ट प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती हैं वही सब चीज़ें फिल्म में आ, अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने इस फिल्म में मेन बेग बॉय ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस है वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथीन यानी कि लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नज़र आते वैसे आ, उनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म के वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए तो उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लुफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड हाफ में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नज़र नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थे पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुई थी उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एग्जरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो एक ही हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्म तेलुगू फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नेरेशन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नज़र आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नजर आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले जा, 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 हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नज़र आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फ़िल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से तीस से चालीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत थे जो थोड़ी बहुत स्क्रीन प्ले में कमी नज़र आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूजिक दिया गया है कुल मिला डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी ओ टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ टी टी के राइड्स एमेज़ोन प्राइम वालों ने तैंतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स तेलगू वर्जन के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आ, 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 आर के दुग्गल स्टूडियोज़ वालों ने फ़िलहाल मेमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को पाँच सेप्टेम्बर दो से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे ते तल तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आर्गे टूगल स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट संकर फिल्म आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में इन्जॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथी नेनी ने और सत्य देवनाभा नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसका भी पूरी जगन्नाथ ने डिरेक्ट डिरेक्ट किया था वो फिल्म करीबन पंद्रह से बीस करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सिक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिक्वली ही फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मी कोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मायत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राम पोथीननी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से यह सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिन्नेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नज़र आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलगू लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे काव्या थापर ने जन्नत मेहरुनिजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानीजय यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करते नजर आएगी जो शंकर की मां का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जही रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनु ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया है चेकरी ने यंग शंकर का रोल प्ले किया है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है खिच्चा कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ चौदह मई दो को अनाउंस किया गया था जहाँ पर बताया गया था कि राम ने इन्हें लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी 12 जुलाई 2023 को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई दो में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पे आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पे खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल वर्क के साथ रेपअप की गई 5 जुलाई दो को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कम्पोज़ किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कम्पोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पे स्टेपा मार पहला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूजिक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पर एक जुलाई दो को रिलीज किया गया था सेकेंड सिंगल के तौर पर उन्होंने मार मुनता छोड़ चिंता करके जो गाना है वो रिलीज़ किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूज़िक के द्वारा जिसको कसराल श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज कीर्ताना शर्मा और धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ था क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 29 जुलाई 2024 को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हरषा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फ़िल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म में कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो एक डायग्नोस हुआ एक बीमारी से जो क्लेमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू तो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें पोस्ट प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती है वही सब चीज़ें फिल्म में आ, अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने इस फिल्म में मेन बेग बॉन ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिकवेंस से वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथीनैनी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन इंटागोनीस था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नजर आते वैसे उनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नजर आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म की है वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सीक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए था उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लुफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड हाफ में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नज़र नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थे पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुए थे उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे हैं जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एक्सरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती नज़र आती है नजर अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो ए, एक ही हुमर अटैम्प किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्म तेलुगु फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है सन, वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नजर आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नजर आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बी है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आते संजय दत्त के साथ जो फेसऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए तो डेफ़िनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नज़र आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फिल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से तीस से चालीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत है जो थोड़ी बहुत क्रिस्क स्क्रीन प्ले में कमी नजर आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी पंद्रह अगस्त 2024 को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फिल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी और ओ टी टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ टी टी के राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने ती करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स से तेलगू वर्जन के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुगल स्टूडियोज़ वालों ने फ़िलहाल मेमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 5 सितंबर 2024 से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे की तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आर के स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में भी इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट संकर फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में इन्जॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो 2024 हज़ार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह फिल्म सिकॉल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथीनैनी ने ने और सत्य देवनाभा नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था वो फिल्म करीबन 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिक्वल ही फिल्म है जहां पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज्यादा खर्चा और लगाया हुआ है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ और के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथीननी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से यह सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने, ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनकी डेब्यू फ़िल्म थी तेलुगु लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे काव्या थापर ने जन्नत मेहरू यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानी जय यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करते नजर आएगी जय शंकर की मां का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्री ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। चेकरी ने यंग शंकर का रोल प्ले किया हुआ है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है खिच्चा कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ चौदह मई दो को अनाउंस किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि राम ने इन्हें लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफ़ी स्टार्ट की गई थी 12 जुलाई 2023 को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब रैप अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई 2024 में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पर आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पर खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ रेपअप की गई पाँच जुलाई दो को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कंपोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पर स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूजिक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पर एक जुलाई दो को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पर उन्होंने मार मुनता छोड़ चिंता करके जो गाना है वो रिलीज किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक और धनंजय जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा उनतीस जुलाई दो को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फ़िल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म में कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो ग्लीमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू तो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें पोस्ट प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती हैं वही सब चीज़ें फिल्म में आ, अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने इस फिल्म में मेन बेग बॉय ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस है वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथी यानी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन इंटागोनिस था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नज़र आते वैसे उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म की है वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नजर आएंगे काफ़ी सारे लूफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड हाफ में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नजर नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थे पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुए थे उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एग्जरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो ए, एक ही हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो, जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्में तेलुगु फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए नेरेशन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नजर आएंगे मनी शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नज़र आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी उनके जो फे, जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नज़र आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फ़िल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से 30 से 40 मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे 40 मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत थे जो थोड़ी बहुत क्रींस स्क्रीन प्ले में कमी नजर आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फ़िल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी ओ टी टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पर ओ के राइट्स अमेज़ॉन प्राइम वालों ने तैंतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स तेलगु वर्जन के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्ज़न के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुग्गल स्टूडियोज़ वालों ने फिलहाल मेमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 5 सितंबर 2024 से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे ते तल की तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आर के दुगल स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में भी इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट संकर फिल्म आप ऑफिशियली ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगू तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जनस में एंजॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथी नेनी ने और सत्य देवनाभा नतेश नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था वो फिल्म करीबन पंद्रह से बीस करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सिक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिकवल ही फिल्म है जहाँ पर डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथिनेनी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से यह सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिन्नेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नज़र आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने, ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलगू लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे हैं काव्या थापर ने जन्नत मेहरुनिजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानीजय यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करते हुई नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जयिर रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनू ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ने यंग शंकर का रोल प्ले किया है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है, विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ 14 मई 2023 को अनाउंस किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि राम ने इन्हें लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी बारह जुलाई दो को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इकतीस जुलाई दो को अब अप किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई दो, हजाग दो हजाग में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसोल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पे आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पे खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ ट्रेपअप की गई पांच जुलाई दो को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कंपोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पे स्टेपा मार पहला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुरा कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूज़िक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पर एक जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पर उन्होंने मार मुनता छोड़ चिंता के जो गाना है वो रिलीज किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज कीताना शर्मा और धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ था क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 29 जुलाई 2024 को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म में कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो एक डायग्नोस हुआ एक बीमारी से जो क्लीमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू जो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें फीड बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती हैं वही सब चीज़ें फिल्म में आ, अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने इस फिल्म में मेन बेग बॉ ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सीक्वेंस है वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथी पोथीनिनी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नज़र आते वैसे उनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म के वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नजर आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए तो उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुई है स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी एड किए हुए जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लूफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड आप में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नजर नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट की हुई थी पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट की हुई थी उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एक्सरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो ए, एक ही हुमर अटैम्प किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ जो जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्में तेलुगू फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नेरेसन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नजर आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नजर आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही जो चलनी चाहिए तो डेफ़िनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नजर आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फ़िल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से 30 से 40 मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे 40 मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरिए थे जो थोड़ी बहुत का स्क्रीन प्ले में कमी नज़र आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म की रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त दो को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ए भी फिल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन Uh, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी ओ टी टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ टी टी के राइड्स एमेज़ॉन प्राइम वालों ने तैंतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स से तेलगू वर्ज़न के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आ, आरके के दुग्गल स्टूडियोज ने फिलहाल में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 5 सितंबर 2024 से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ की तमिल ते तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आरगे तुगल स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट संकर फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में इन्जॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो 2024 हज़ार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथीनैनी और सत्य देवनाभा नश नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डिरो ड किया था वो फिल्म करीबन 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिकवल ही फिल्म है जहाँ पे डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूपे पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे यह फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ चार्मी कोर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राम पोथिनेनी, संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिन्नेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने, ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते नजर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म थी तेलुगु लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे काव्या थापर ने जन्नत मेहरू नीजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी सिंधे ने सी ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको गुरबानी जज यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करती नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जयिर रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनू ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है चेकरी ने यंग शंकर का रोल प्ले किया हुआ है रोहिणी ने लेडी कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है कि खिच्चा कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया हुआ है विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ 14 मई 2023 को अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि राम पोथी ने लीड रोल में आप अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर ऑन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी बारह जुलाई दो को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इकतीस जुलाई दो को अब रेपअब किया गया था एक एक्शन सीक्वेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई दो में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पे आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पे खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ ट्रेपअप की गई पाँच जुलाई दो को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक वालों ने सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कम्पोज़ किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कम्पोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पर स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूजिक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पे एक जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पे उन्होंने मारमुनता छोड़ चिंता करके जो गाना है वो रिलीज़ किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज कीर्ताना शर्मा और धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ था क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा उनतीस जुलाई दो को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हरषा इमानी ने लिखा हुआ था जन धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फ़िल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो एक डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो क्लेमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते उनकी मेमोरी के थ्रू जो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें फीड बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी ने नहीं प्ले कर रहे हैं अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्नस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरीके से क्या चीज़ें घटना एंड लेती है वही सब चीज़ें फिल्म में अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथीनैनी ने ने इस फिल्म में मेन बेग बॉ ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डीरे डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस से वो भी बढ़िया थे काव्य थापर को इस फिल्म में राम पोथीनैनी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन इंटागोनीस था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नज़र आते वैसे उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म के वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सीक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अन इंटरेस्टिंग है जिस तरह से नेरेशन एंगेजिंग होना चाहिए था उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड किए हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी ऐड किए हुए हैं जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नजर आएंगे काफ़ी सारे लूफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड हाफ में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नज़र नहीं ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट किए हुए थी पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट किए हुई थी उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एग्जरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ जो ए, एक ही हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ था जो, जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्म तेलुगु फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नेरेशन व सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नज़र आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नज़र आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन डा, में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नज़र आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फ़िल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से तीस से चालीस मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत थे जो थोड़ी बहुत क्रिस्क स्क्रीन प्ले में कमी नजर आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफिनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई थी पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फिल्म रिलीज़ हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी और ओ टी भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पर ओ के राइट्स अमेज़ॉन प्राइम वालों ने तैंतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स तेलुगु वर्ज़न के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्ज़न के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुग्गल स्टूडियोज़ वालों ने फ़िलहाल मेमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को पाँच सेप्टेम्बर दो से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे की ते तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आरगे टूगल स्टूडियोज के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जनस के लिए तो फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दूगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दूगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट शंकर फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में इन्जॉय कर पाओगे डबल स्मार्ट जो 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये फिल्म सिकोल है स्मार्ट शंकर का जो राम पोथी नैनी और सत्य देवनाभा नीति अग्रवाल स्टारर फिल्म थी उसको भी पूरी जगन्नाथ ने डिरो किया था वो फिल्म करीबन 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी थी बॉक्स ऑफिस पे अस्सी करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म को दो में रिलीज़ किया गया था उसका एक स्पिरिचुअल सिक्वल बनाया हुआ है ये वैसे सीधे सीधे कोई लेना देना है नहीं एक दूसरे के साथ फिल्म का लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सिक्वल ही फिल्म है जहाँ पर डबल स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा और लगाया हुआ एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है इट स्मार्ट शंकर को वैसे ऑफिशियली हिंदी डब में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे यह फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी अब बात करें डबल स्मार्ट के ऊपर तो इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने ही की हुई है ये फिल्म पूरी जगन्नाथ और के द्वारा प्रोड्यूस की गई है करीबन नब्बे करोड़ जितना बजट डाला हुआ है पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर जिसको प्राइम शो एंटरटेनमेंट मैत्री मूवी मेकर शक्ति फिल्म फैक्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथिनेनी संजय दत्त अली और काव्या थापा देखने को मिलेंगे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था क्योंकि फिल्म का वायलेंस और लैंग्वेज की वजह से यह सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जियानी जिन्नेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को कार्तिका श्रीनिवास के द्वारा एडिट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे और बयालीस मिनट के आसपास का रन टाइम के साथ रिलीज होती हुई नजर आई थी फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको राम पोथी ने, ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने उस्ताद स्मार्ट शंकर एलाइस डबल स्मार्ट का रोल प्ले किया हुआ है संजय दत्त बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनकी डेब्यू फ़िल्म थी तेलगू लैंग्वेज में अली इस फिल्म में बोका का रोल प्ले कर रहे हैं काव्या थापर ने जन्नत मेहरुनिजा यानी कि शंकर के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको जज यानी कि बानी जी देखने को मिलेंगी बेंटली के रोल में मकरंद देश पांडे ने डॉक्टर थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है झांसी इस फिल्म में पोचम्मा का रोल प्ले करते नजर आएगी जो शंकर की माँ का रोल था ओल्ड पोचम्मा का रोल प्रगति ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अदगतु अकबर का रोल था वो टेम्पर वामसी ने प्ले किया हुआ है जही रूप जीवन ने इस फिल्म में हर्षवर्धन का रोल प्ले किया हुआ है उत्तेज को सी आई के के रवि प्रकाश का रोल दिया गया था गेटअप श्रीनू ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ चेकरी ने यंग शंकर का रोल प्ले किया है रोहिणी ने लेडी कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है गणेश यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है खिच्चा कंपा के डी ने इस फिल्म में चाइनीज माफिया वोंग का रोल प्ले किया है विशाल शर्मा ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली इस फिल्म को डबल स्मार्ट के टाइटल के साथ 14 मई 2023 को अनाउंस किया गया था जहां पे बताया गया था कि राम पोथी इन्हें लीड रोल में आपका अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिरेक्ट करने वाले वहीं पे लेटर वन अनाउंस किया गया कि संजय दत्त का तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होने वाला है यहाँ पे ये फिल्म में वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करेंगे लेटर ऑन प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी 12 जुलाई 2023 को एक ग्रांड लॉन्च इवेंट रखा हुआ था हैदराबाद में फिल्म का पहला शेड्यूल था वो इक्कीस जुलाई दो को अब अप किया गया था एक एक्शन सिकवेंस था वो सेट किया गया था मुंबई में सेकंड शेड्यूल था वो थाईलैंड में शूट किया हुआ था अगस्त 2023 में वहाँ पे कुछ सीक्वेंस शूट किए गए थे वैसे ही कुछ सीक्वेंस मुंबई में मई दो में फिर से शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो डिले हुआ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी जिसके चलते लेटर ऑन वो सभी चीज़ रिसॉल्व होने के बाद क्लाइमेक्स की शूटिंग है वो मुंबई में ही रखी गई थी जहाँ पे आठ करोड़ जितना एक लार्ज सेट तैयार किया गया था वहाँ पे खर्चा करके इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया गया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी ओवरऑल पेज वर्क के साथ तो रेपअप की गई पाँच जुलाई दो को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर था वो मनीष शर्मा ने कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने थे वो भी मनीष शर्मा ने ही कंपोज किए गए थे टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए फिल्म में जहाँ पर स्टेपा मार पेला ट्रैक है जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था अनुरा कुलकर्णी और साहिती ने गाया हुआ था इस गाने को आदित्य म्यूज़िक ने फर्स्ट सिंगल के तौर पर एक जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था सेकंड सिंगल के तौर पर उन्होंने मार मुन्ता छोड़ चिंता कर के जो गाना है वो रिलीज किया था जिसको 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा जिसको कसराला श्याम ने लिखा हुआ था राहुल सिपली कुंज कीर्ताना शर्मा और धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ था क्या लफड़ा करके जो गाना था उसको थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 29 जुलाई 2024 को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ था धनंजय सिपाना और सिंधुजा श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ था बिग बुल करके जो ट्रैक था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पे आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया जिसको भास्कर अभाटला ने लिखा हुआ था पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने उसको गाया हुआ था मदर सॉन्ग करके जो गाना था उसको कृष्णाकांत ने लिखा था राम्या बेहरा ने गाया था जिसको आदित्य म्यूजिक ने फिफ्थ सिंगल के तौर पर सत्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से आदित्य म्यूजिक के द्वारा सभी वर्जनस के ये पाँच गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए हुए हैं तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको सुनने को मिल जाएंगे अब इस फ़िल्म की एक कहानी की ओर बढ़ते इस फिल्म की कहानी में आपको एक इंटरनेशनल माफिया डॉन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिग बुल वो रोल संजय दत्त प्ले कर रहे जहाँ पे जो अपने जो उसकी बीमारी है जहाँ पे वो एक डायग्नोस हुआ है एक बीमारी से जो ग्लीमो है उससे तो वो उससे बचना चाहता है अब साइंटिस्ट उनके एक कांटेक्ट में आते जो उनको सजेस्ट करते कि अगर वो जिंदा रहना चाहते तो बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी मेमोरी के थ्रू जो उनकी मेमोरी है वो अनदर पर्सन के ब्रेन में हम इमोटल कर देंगे और उसके बाद में वो पूरी तरह से वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो उसी आइडिया को फॉलो करने के लिए बिग बुल एक एक आइडियल कैंडिडेट की सर्च में रहते कि जो उस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसमें बैठ पाए जहाँ पे वो धीरे धीरे पता करते शंकर का स्मार्ट शंकर का जो हैदराबाद में रह रहा है वो रोल राम पोथी नहीं प्ले कर रहे अब वो किसी तरह से उसके अंदर मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहते धीरे धीरे वो सभी चीज़ें पोस्ट प्रोसेस में जाती है तब एक के बाद एक थ्रिलिंग चीज़ें हमारे सामने स्टोरी में आती रहती है और उसके बाद में एक के बाद एक ट्विस्ट और टंस आते हैं और उसके बाद में इस चीज़ के चलते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म में किस तरह से क्या चीज़ें घटनाएं एंड लेती है वही सब चीज़ें फिल्म में अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको पूरी फिल्म एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी राम पोथी ने इस फिल्म में मेन बेग बॉ ने स्मार्ट शंकर के रोल में पहले पार्ट में जिस तरह से उन्होंने काम किया था ठीक उसी तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और इस फिल्म में डिले डिलीवर किया हुआ है उनका जो मास एटीट्यूड था इंटेंस डायलॉग डिलीवरी थी वो फिर से आपको स्क्रीन में देखने में ज़रूर मज़ा आएगी उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म को चलाया हुआ है वो बढ़िया था उनके एक्शन सिक्वेंस से वो भी बढ़िया थे काव्या थापर को इस फिल्म में राम पोथीन यानी के लव इंटरेस्ट का रोल दिया गया था जहाँ पे उनके कुछ कॉम्बिनेशन वाले सीन्स थे वो देखने में डिसेंट नज़र आएंगे संजय दत्त को एक माफिया डॉन एक विलन का रोल दिया गया था मेन इंटागोनिस था फिल्म में जहाँ पे इस वजह से जिस तरह से उन्होंने वो काम किया उस वजह से एक अच्छा वेटेज फिल्म में वो डालते हुए नजर आते वैसे उनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आ रही थी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो फिल्म के वो लिमिटेड रोल के साथ दिखाई गई है लेकिन उसके बावजूद उनका काम अच्छा नज़र आता है एक्शन सिक्वेंस से उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए हैं इसके अलावा कुछ एक माइनस पॉइंट के ऊपर बातचीत करें तो बेसिक जो प्लॉट था वो अच्छा था जस्टिफाई कर रहा था जो सिक्वल क्रिएट किया हुआ है उसके डिसीजन को पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से उसमें चीज़ें नेरेट किए हुए वो काफ़ी ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग है जिस तरह से नरेशन एंगेजिंग होना चाहिए था उसका उल्टा होता है स्क्रीन प्ले इतना डल नज़र आता है जिस तरह से चीज़ें उसमें ऐड की हुए स्क्रीन प्ले में जो कॉमेडी एड की हुए जिस तरह से नोटेबल लेकिंग पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लुफफॉल्स नज़र आएंगे सेकंड आप में खास करके चीज़ें जिस तरह से दिखाई है वो ज़रा भी एंगेजिंग नज़र नहीं आती इमोशनल एस्पेक्ट में आपको ज़रा भी इस फिल्म में देख नज़र नहीं है ये इमोशनल चीज़ें जिस तरह से उन्होंने इंसर्ट की हुई थी पहले पार्ट में इतनी कुछ खास इमोशनल चीज़ें नहीं थी लेकिन सेकंड पार्ट में जिस तरह से इंसर्ट की हुई थी उस रोल के साथ वो इम्पेक्टफुल चीज़ें दिखाने में नाकामयाब रहे थे जहाँ पे झांसी का रोल था उसको और इम्पेक्टफुल तरीके से दिखाया जा सकता था उनके फ्लैशबैक के जो सीन्स थे उसमें जो इमोशनल वेट है वो और बेहतर तरीके से एड किया जा सकता था प्रगति का जो किरदार है जिस तरह से एक्सरेट करके उस परफॉर्मेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो उतना कुछ खास था नहीं कॉमेडी पूरी तरह से फ्लैट होती है नज़र आती है अली का जो कैरेक्टर था जिस तरह से उनके साथ ज एक ही हूमर अटैम्प्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से एडिटिंग एडिटेटिंग नज़र आता है वो फिल्म की तरह स्टोरी लाइन के साथ तो जा ही नहीं रहा था ऊपर से अलग से ट्रैक एड किया हुआ था जो, जो पुरानी साउथ इंडियन फिल्में तेलुगू फिल्मों में पहले किया जाता था, था उस तरह से लेकिन वो पूरी तरह से इरिटेटिंग नज़र आ रहा था और फिल्म की लेंथ ही पढ़ा रहा था सॉन्ग्स में ज़रा भी कुछ दम है नहीं प्लेसमेंट अच्छे थे नहीं पहले पार्ट के सॉन्ग्स अच्छे थे प्लेसमेंट भी बढ़िया थी ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियंस में ये जो कॉमेडी है जो ये सॉन्ग्स है जो जिस तरह से दिखाए गए है नेरेशन वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएगी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग होते हुए नज़र आएंगे मनीष शर्मा इस फिल्म में इस फिल्म में एक इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर देते हुए नजर आते जो कुछ सीन्स को एलिवेट कर देते लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्वल के हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिक्वल में जो बीजीएम है जो सॉन्ग्स है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते संजय दत्त के साथ जो फेस ऑफ के सीन्स रखे हुए थे वो भी उतने कुछ खास थे नहीं वर्क नहीं कर पाते इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है उसको प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ मेन विलन का ही कैरेक्टर इतना इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया डबिंग ठीक ठाक है उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म ही कमज़ोर है तो डबिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा इस फिल्म में पूरी जगन्नाथ ने जिस तरह से जो काम किया हुआ इससे पहले उन्होंने लाइगर बनाई थी उसमें उनका जो काम था तो अभी पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में उस तरह के तरीके से नहीं चल रही जो चलनी चाहिए तो डेफिनेटली उनको समय के साथ चीज़ों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी उनके जो जो फेवर है उनका जो स्टोरी डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने टेम्पर बनाई थी जिस तरह से उन्होंने पोकीरी बनाई थी तो वो वाले हमें पूरी जगन्नाथ मिसिंग नजर आते हैं उनके एग्जीक्यूशन पूरी तरह से मिस फायर होते हुए नज़र आते हैं तो उनको उसमें कुछ थोड़ा काम बेटर तरीके से करना पड़ेगा आने वाली फिल्मों के लिए एडिटर इस फिल्म में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स हटा सकते थे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे गाने कॉमेडी सीन्स दूसरे ऐसे कुछ ड्रामा सीन्स थे उसको हटाया जा सकता था जिसके चलते फिल्म आसानी से 30 से 40 मिनट जितनी छोटी की जा सकती थी जो पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म बनाई है दो घंटे 40 मिनट के आसपास की उसको आसानी से सवा दो दो घंटे के दो दस कर, की करी जा सकती थी तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती तो जो थोड़ा बहुत फिल्म बोरियत थे जो थोड़ी बहुत स्क्रीन प्ले में कमी नज़र आ रही वो थोड़ी ढक जाती इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिल्म कमज़ोर लिखी गई थी जिसके चलते चीज़ें वो बचा नहीं पाती है इसके अलावा कुछ मनी शर्मा के द्वारा एलिवेशन वाले सीन्स थे उसमें अच्छा म्यूज़िक दिया गया है कुल मिला के डबल स्मार्ट संकल्प शंकर जो हाइप क्रिएट हुई थी फिल्म के रिगार्डिंग उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी नहीं उतरती है स्मार्ट शंकर अगर आपको पसंद आई है तो डबल स्मार्ट अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो उसमें एक ही मेन पॉइंट है वो है राम पोथीनैनी उनका जो कमेंडेबल एफर्ट है वो फिल्म में आपको डेफ़िनेटली देख देखने को मिलेगा उनके टैलेंट आपको इस फिल्म में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आएगा ओवरऑल तो फिल्म में ऐसा कुछ खास है नहीं कि जिसकी वजह से फिल्म देख सकते हो डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को थिएट्रिकली मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि तेलुगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट करीबन नब्बे करोड़ का था ये ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मल्टीपल फिल्मों के साथ ये भी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने ओवरऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ, करीबन करीबन 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास किया का किया हुआ है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म को आई पे अभी तक करीबन 1200 सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें 3.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और ये मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म जल्दी ओर ओ टी पे भी रिलीज़ करवा दी जहाँ पे ओ के राइट्स अमेज़ॉन प्राइम वालों ने तीतीस करोड़ में खरीदे हुए सेटेलाइट राइट्स तेलगु वर्जन के लिए जी तेलुगु जी सिनेमा लू के पास है और यहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के और डिजिटल राइट्स है वो खरीदे हुए आर के दुग्गल स्टूडियोज़ वालों ने फ़िलहाल मेमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 5 सितंबर 2024 से ऑफिशियली प्रीमियर करवा दिया है उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे इस फिल्म में को वहाँ पे की ते तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी में प्रीमियर करवाया हुआ है और हिंदी वर्जन के राइट्स आर के स्टूडियोज़ के पास है तो यूट्यूब राइट्स उनके पास है हिंदी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में जब कभी भी ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज़ के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो है डबल स्मार्ट फिल्म है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस में देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन आने वाले समय में आर के दुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से डबल स्मार्ट संकर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगू तमिल कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन में एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस डबल स्मार्ट फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू